नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है और खासकर उन लोगों के लिए जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आई थी कि भैया ये बताइए कि अभी फ़िलहाल जो महात्मा जी टेक्निकल ने नया कोर्स लॉन्च किया है काफ़ी बढ़िया, वैसे मैंने भी उन्हीं का जो ओल्ड कोर्स है जो पहले था, पहले वाला बैच, उससे मैंने डिजिटल मार्केटिंग की है और फ़िलहाल भी मैं उससे ही सीखता हूँ। कोई भी मतलब डाउट होता है तो वहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये सवाल आने स्टार्ट हो चुके हैं उन्हीं जो कोर्स रिव्यू वाले वीडियोस पर कि क्या हमें ये नए जो कोर्स है वो लेने चाहिए, क्या इसके अंदर मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि मतलब हमें उसके हिसाब से लेने चाहिए, या जो भी डाउट है नए नए जो एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो लोग जो मुझे मेरा जो रिव्यू देखकर बोल रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल में आज का ये वीडियो होने वाला है कि क्या आपको वो कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी वो कोर्स लिया हुआ है और तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी काफी ज्यादा YouTube के रिगार्डिंग हेल्प मिल सके। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं नए कोर्स की कि भाई वहाँ पर तीन नए कोर्स अभी लॉन्च हुए हैं, एक YouTube का हो गया, एक डिजिटल मार्केटिंग का हो गया और एक यहाँ पर जो WordPress वेबसाइट डेवलपमेंट का हो गया। अभी यहाँ पर डाउट आते हैं कि क्या हमें नया कोर्स लेना चाहिए या पुराने जो कोर्स ऑलरेडी वीमे क्रिएटर्स के ऊपर है वो ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर बता दूं कि अगर खरीदना चाहते हो तो वो नया कोर्स खरीद सकते हो, उसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई है क्योंकि उसका जो पुराने वाले कोर्स भी काफ़ी बेटर थे उस टाइम के लिए। क्योंकि अब अगर हम कंपेयर करते हैं कि भैया अब हमें आईफोन लेना चाहिए, मतलब 11 लेना चाहिए या 13 लेना चाहिए, आज के टाइम पर आईफोन 13 है, उस टाइम पर आईफोन 11 की भी वही प्राइस थी लेकिन फीचर्स कम थे। तो उसी तरह अब टाइम के हिसाब से यहाँ पर बदलता जा रहा है। तो जो नया कोर्स है उसके अंदर आप ना केवल आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है लेकिन साथ साथ में आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाती है। मैंने पूरा उसको एनालाइज किया कि भाई क्या नए फीचर से कंपेयर टू पुराने वाले कोर्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो फोटोशॉप हो गए या फिर डिज़ाइनिंग की जितनी भी आपको जो ज़रूरत पड़ती थी एक डिजिटल मार्केटर को वो चीज़ें आपको सिखाई जाती है। ऐसा नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर केवल आप मार्केटिंग करना सीखोगे, केवल आप एड चलाना सीखोगे या फिर केवल आप जो है गूगल एडवर्ड के बारे में जानोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हो जो कि मैंने किया है, मैं आपको कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जाइए आप महात्मा जी टेक्निकल का कोर्स ही लीजिए, लेकिन वो जो कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है वो शायद ही कोई प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि आपको एक तो सर्टिफाइड यूट्यूबर मिल जाते हैं जहाँ पर उन लोगों की खुद की इतनी अचीवमेंट है कि वो लोग आपको बेटर समझा सकते हैं, खुद की जर्नी को आपको बता सकते हैं, साथ साथ आपको रियल टाइम आपको सपोर्ट मिलता है यानी कि यूट्यूब में अभी क्या बग चल रहा है और उसके हिसाब से अगर आपको किसी भी फील्ड में, यूट्यूब ना हो कि किसी भी फील्ड में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप आराम से उनसे सपोर्ट ले सकते हो, वो आपके डेफिनेटली सपोर्ट कर देंगे। साथ साथ आपको वहाँ पर अपना उनका एप्लीकेशन मिलता है और आपको वेबसाइट भी मिलती है, आपको पर्सनल नंबर्स भी मिलते हैं, आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो मतलब डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उनके खुद के 100 सब्सक्राइबर्स नहीं होते तो वो लोग सिखाते हैं, उसके बजाय अगर आप यहाँ से सीखो तो काफ़ी बढ़िया है। प्राइसिंग के मामले में डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूँ कि एकदम सही है। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी जूना कोर्स लिया हुआ है और अगर आप नए के अंदर अपग्रेड करना चाहते हो तो सर ने फिलहाल मतलब उन लोगों को तो शायद नोटिफाई कर दिया होगा जिनके पास YouTube मिलियनेयर कोर्स था, लेकिन अगर कोई आप डिजिटल मार्केटिंग का कर रहे थे और अब अगर आप नए कोर्स में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए भी कुछ ना कुछ वो लोग लाएंगे जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी तक अपडेट कुछ ऐसा आया नहीं है, मिला नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे तो आप वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हो, आपके लिए वो बेटर रहेगा। अब बात आती है कि क्या हमें लेना चाहिए, तो हाँ अगर आप करना चाहते हो तो वो ले सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो और बस ऐसे ही कि भाई ज़्यादा है वो तो भाई एक अपने लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, चाहे आप कहीं पर भी जाओ। बेटर टू आप पबजी के अंदर रिवॉर्ड्स जो लगाते हैं, पैसे लगाते हैं लोग, कहीं
डायमंड खरीदते हैं, कहीं यूसी खरीदते हैं, उससे कि अच्छा आप इस तरह के कोर्स लो और आप डेली बेसिस के ऊपर अगर खर्चा भी गिनोगे ना तो भी आपको यहाँ पर जो मतलब काफ़ी बढ़िया आपको एक नॉलेज प्रोवाइड होती है, लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। 6 महीने का कोर्स बताते हैं वो लोग, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मुझे खुद को इतना टाइम हो गया लेकिन यार ऐसा लगा नहीं कि मैं उस कोर्स से अलग हो चुका हूँ या फिर उस कम्युनिटी से अलग हो चुका हूँ। मुझे आज भी कोई भी चीज़ में डाउट होता है तो डेफिनेटली मेरी मदद कर देते हैं। मतलब वो चीज़ अलग हो गई कि आपको अगर नया वीडियो का अपडेट नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ मतलब अलग है, लेकिन आपको अगर कभी भी सपोर्ट चाहिए तो वो डेफिनेटली आपको मिलता है। तो आपको बस इस तरह की कम्युनिटी मिलती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आप जैसे मिलते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग माइंडसेट्स मिलते हैं कि और आपको इस तरह के आइडियाज़ मिलते हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ना सिर्फ आपको वहाँ पर केवल वो पढ़ाने वाले वो मिलेंगे, सर मिलेंगे, बल्कि आपको वहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो होता यही है कि बस एक कम्युनिटी बनती है। कैसा आपको एक क्लास के अंदर जाना पसंद है, क्लास के अंदर पढ़ना पसंद है, अगर वही चीज़ आप इंडिविजुअली घर पर पढ़ोगे तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस डिजिटल मार्केटिंग में यही है कि आप अगर एक पूरी कम्युनिटी में घुसकर, अगर पूरी कम्युनिटी के अंदर जुड़कर उनके साथ पढ़ोगे तो वो बात अलग है, और अगर आप मतलब घर में सिर्फ YouTube पर, हाँ आता है सारा कंटेंट आपको YouTube पर मिलता है, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है, वो जो मतलब जो डिफ़िकल्ट ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आप सोल्व नहीं कर पा रहे वो आपको YouTube पर नहीं मिलेगी। आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी कि फ़िलहाल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, फ़िलहाल क्या इशू आ रहे हैं YouTube पर, आज अगर इंटरनेट पर कोई इशू आया है, आज अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें आई है जो कि आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, वो YouTube के ऊपर 2 महीने बाद आएगा, लेकिन आप वहाँ पर रियल टाइम में देख सकते हो, पूछ सकते हो, वो लोग डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि अगर आप लेना चाहते हो, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि नया कोर्स आ चुका है तो क्या हमें इस कोर्स को मतलब इनरोल कर ले, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, आपके पास बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है। और प्राइसिंग की बात करें तो अभी काफ़ी बढ़िया आपको सपोर्ट भी मिलेगा, अभी आप कर सकते हो, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अपने लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैं डेफिनेटली मैं जहाँ पर पढ़ाई करता हूँ मैं तो वहाँ पर भी इस तरह के कोर्स है, लेकिन यार एक सर्टिफाइड यूट्यूबर्स होते हैं उनकी बात अलग होती है, और कुछ लोग ऐसे ही करवा देते हैं 500,000 रुपये में तो उनकी बात अलग होती है। तो आपको क्या करना, अगर लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कर सकते हो, डेफिनेटली आपकी अर्निंग होगी। अगर आप सिर्फ पैसा ही आपका मोटिव है कि बस मुझे पैसा कमाना है, इन्वेस्टमेंट 1 रुपये नहीं करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर आप मतलब ऐसे हो कि मैं सब कर सकता हूँ और मुझे 99% आता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल गढ़ में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बने रहिए इस चैनल के साथ, इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो बस दोस्तों फिलहाल गढ़ में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए टेक्निकल जुबान के साथ, और हाँ मास्क पहनना मत भूलिएगा क्योंकि कोरोना से लड़ाई मास्क के साथ।